दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है। मिशन 2022 के तहत हर तरीके से नगर निगम में आना चाहते हैं। हमारे बीच में विनोद राणा साहब है जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राणा साहब, क्या नज़र आ रहा है निगम के अंदर? आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर केजरीवाल से दिल्ली की जनता इतनी प्रभावित है, वो जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने पब्लिक के लिए काम किए हैं वो केजरीवाल जी आज के टाइम में कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता तीनों नगर निगम में आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं और भारू मोहब्बत से इस बार जी आम आदमी पार्टी का जैसे विधानसभा में जीते थे, इस बार दिल्ली नगर में जीतने के लिए जा रही है। विनोद राणा साहब, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, क्या वास्तव में शिक्षा जगत में काम हुआ है दिल्ली सरकार के द्वारा? बिल्कुल हुआ है। दिल्ली के अंदर यही स्कूल थे जो आज से 15 साल पहले 10 साल पहले हुआ करते थे। 7 साल के अंदर दिल्ली के स्कूलों की खाई पलट हो गई। जिस स्कूल में आप जाकर थे टॉयलेट में आप खड़े नहीं होकर करते थे, आज ये स्थिति है कि वहाँ जाके जो है आपके बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्था कितनी अच्छी दिखाई देती है। एक एक टीचर, एक एक बच्चा आज के टाइम उसमें स्कूलों में जाके बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी जी, क्योंकि उन्हें सुविधा मिल गई। पहले सुविधा नहीं थी, आधे बच्चे बंक मार के देते, आप बच्चे एक भी तो बंक मारता आपको दिखाई नहीं देता। चारों तरफ बच्चे टाइम पे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं और स्कूल में जो टीचर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने कि वाकई दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन किया वो वाकई एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। ऐसी सरकार के दिल्ली के जो शिक्षकगण हैं उनको विदेश भेजना और नॉलेज लेकर के आना, सर वहाँ कुछ ना कुछ मिलता है, बाहर निकलों को तो सीखोगे, घर में क्या सीखोगे? घर में तो वही सारी चीज़ है जो अपने सामने होती है। बाहर की शिक्षा पत्ती देखो, उनकी पढ़ना लोग हर आदमी विदेश पढ़ने के लिए भागता है, MBBS करने बाहर जा रहा है, CA करने के लिए बाहर जा रहा है, अपना हायर एजुकेशन लिए बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ की थोड़ा व्यवस्था प्रणाली सीखनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ ऐसी क्या चीज़ है, अगर वही यहाँ लागू हो सकती है तो क्या बुराई है, क्या बुराई है। बिल्कुल, बिजनेस ब्लास्टर का भी एक कार्यक्रम किया, बच्चों को शुरू से ही एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी इसलिए है कि हम लोग पहले एक ही चीज़ में होते हैं, नौकरी करेंगे जी, सरकारी नौकरी करेंगे जी, प्राइवेट नौकरी करेंगे, नौकरी से अच्छा कितना आगे, नौकरी में आपको 25,000 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 1,00,000 रुपये में। बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस के अंदर लाखों रुपये महीना घर बैठ के कमा रहे हैं, बिल्कुल तो व्यवस्था उनके हाथ की होनी चाहिए ना, कमाई अपने हाथ की होनी चाहिए जी। और नौकरी में तो आदमी बन जाता है, और बनने के अलावा भी आज के टाइम में नौकरी वाला नौकरी करे, लेकिन अगर किसी को भी आदमी थोड़ा सा प्राइवेट काम करके अपना काम आगे बढ़ा सकता है तो बुराई का तो कुछ है नहीं। यही व्यवस्था जो है लागू केजरीवाल जी करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। अभी 3 दिन पहले केजरीवाल सरकार ने 20,000 स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन करा है। स्मार्ट क्लासेस का उदाहरण दिया है और डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी भी जो करना चाहता है, इतनी नौकरियाँ निकली है सिविल डिफेंस के अंदर 20-25,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि हर कॉलोनी से कई कई हज़ार बच्चे लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात। जो अच्छा फिर ठीक, अपनी तैयारी करते रहो जी, जीवन कभी हौसला मत तोड़ो, तैयारी करते रहो। आप मान लिया किसी भी अच्छी चीज़ में आ गए, आपकी शिक्षा आपने कर ली पूरी, उसके बाद अपनी तैयारी करते रहो। नौकरी का तो कोई सीमा नहीं होती जब तक कि आपकी उम्र ना निकल जाए, लेकिन साथ साथ सेकंड ऑप्शन ये भी रखो, 1% नौकरी ना मिले तो कम से आप रोटी कमाने लायक तो रहो। बिल्कुल ठीक बात, वो भी जरूरी है। नगर निगम में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चुन करके जनता भेजती है तो बदलाव निगम स्कूलों के अंदर भी नजर आएगा, 100% होगा। दिल्ली सरकार में अभी थोड़ी सी एक कमी दिखाई देती है, कमी क्या होती है कि हमारे पास स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं है कि हम जो स्कूल कहाँ खोलें। MCD के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों के अंदर 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जगह, और मैं समझता हूँ कि उन स्कूलों को सीधा 12वीं तक किया जाएगा, फिर जो जगह की कमी हमारे दिखाई देती है वो पूरी हो जाएगी। हर्ष व्यारवाड़ के निगम स्कूल खस्ता हाल में पड़े हैं। खस्ता हालत है, किसी स्कूल में 200 बच्चे, किसी में 300, किसी में 1,000 बच्चे थे, घट घट कर 200 रह गए जी। और ये कहते हैं कि हमने स्कूल में कर दिया, एक स्कूल तो बता दे। परसों जो है आपके जो है राम क्या नाम है इस भिदौड़ी ने बोला था कि मैं स्कूलों के ऊपर बहस करना चाहता हूँ दिल्ली निगम के, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक ही चैलेंज किया था, भैया आप आ जाओ, 5 स्कूल आप लिए, 5 मैं लेता हूँ, और दोनों में चलते, दोनों की हालत देख लो, वहाँ के बच्चों की हालत देख लियो, अपने देख लियो, कितने बच्चे बढ़े वो देखना जरूरी है ना। भाई MCD के हर स्कूल में बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं? कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टीचिंग, कोई उनकी तनख्वाह नहीं, चार स्मार्ट क्लासेस नहीं है, तनख्वाह नहीं है उनकी, तनख्वाह नहीं है सबसे बड़ी, स्मार्ट क्लास तो छोड़ दो, तनख्वाह नहीं जो टीचर के लिए, कहाँ से खाएगा रोटी वो। और फिर दूसरे बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी MCD के अंदर काम कर रहे हैं उनमें से 1 भी 2 बच्चों की ट्यूशन फीस मिलती है,
पचपन साल हो गए आते रिफंड नहीं हुई पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना चाहे तो। भाजपा के पार्षद स्वच्छ भारत अभियान में फेल हो गए। भाजपा तो खुद सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हमारे पार्षद हर बार हम नाकाम देते हैं क्योंकि हर बार वो टिकट बदलने की कोशिश करते हैं। और देखो सीधी सी बात है, जब तक जो है आप 5 साल तैयारी करोगे फिर परीक्षा भी देनी चाहिए, परीक्षा दोगे तो आपको पता लगेगा मैंने क्या किया क्या किया। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं पार्षद को टिकट दे देना। अगर एक भी सीट इन पर जमानत इनकी बच जाए, एक भी बता रहा हूँ आपको, जमानत इस भी बहुत सीटों पर कम बचेगी इनकी, एक भी सीट पर इनकी जमानत बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाए कि हमारी हैसियत क्या है आज के टाइम में लोगों के बीच में। विनोद राणा जी, कल महाशिवरात्रि है, क्या शुभकामनाएं? मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर का आशीर्वाद आप सभी पर है क्योंकि जो स्थिति 2 साल में हमने झेली है, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु हमसे कोई गलती ना हो, अच्छे काम करें और अच्छे काम की तरफ जब हम चलेंगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। शंकर भगवान का ही उद्देश्य है।